पकड़ 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 गिरिया पे गिरी गिरी रंगीला मौसम है यहाँ बहुत मजा आ रहा है। प्रस्थान करें दे सकते हैं गौशाला में। हेलो यस ब्लॉगर हैं हम। तो है गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ कोटद्वार और वहाँ पर बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है। और रास्ते में आज सर्दी बहुत गाइस, तो मैं देख रहा हूँ तो वही चीज़ मैंने चेक करी। मैंने सोचा थोड़ा सा सीन ले लेता हूँ रास्ते का भी, फिर भी मैंने चेक किया और बहुत ज़्यादा ठंड थी आज रास्ते में और बहुत बुरा हाल हो चुका था मेरा। ये बंदर आने से बचा बीच में और हटा दिया मैंने, साइड में चला गया। गाइस बंदर बहुत परेशान करते हैं यार रास्तों में, यार मैंने बहुत दिक्कत हुई होती है बंदरों की ना, तो वही चीज़ देख रहा था मैं। ट्रक चल रहा है साइड में, ये देखो बंदर कैसे बैठे हैं ठंड में। सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, बहुत बुरा हाल था गाइस। तो आज हम जा रहे हैं कोटद्वार और वहाँ पर बहुत अच्छा सीन देखने वाले हैं। बहुत दिन से नहीं गया था यार, मैंने सोचा कोटद्वार चलते हैं। तो गाइस चेक करें, मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त के पास और यहाँ बैठते हैं थोड़ा दोस्त और चलते हैं फिर सीन करते हैं थोड़ा सा ना। चलो तो भाई हमें कोटद्वार चाय सत्तावार, जो कि अपने भाई यहाँ पे अपना भाई कोटद्वार भाई 2 साल पहले आया था जब मिला था मैं इससे, अब 2 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। और इस बार शक्ति आया मेरे साथ, शक्ति ये हमारे पूरे मजे ले रहे हैं हम, मजे ले रहे हैं चाय सत्तावार में। अभी तो कुछ करा भी नहीं हमने, अभी तो आए हैं। ये देखो निकलते हैं अब कोटद्वार का चाय सुट्टा वा रहे, देखो बैलून पड़े हैं हमारे यहाँ। तो गाइस निकलते हैं हमें ना, मिलते हैं अभी राइड पे चलते हैं। तेरी फोटो शूट चल रहा है भाई, चर्च का रास्ता गांव से है, चर्च जाना चर्च का रास्ता गांव है। लोकेशन है, लोकेशन सही लग रही है, फोटो खिंचाएंगे हम भी। तो हम यहाँ से लेंगे राइट, अबे यार लेफ्ट लेंगे लेफ्ट, सॉरी। ओ माय गॉड, ये देखिए पापा की परी हैं, लड़कियाँ सब सज धज के आ रखे हैं, मतलब भीड़ तो बहुत खतरनाक है यहाँ पर। बच्चे हैं मतलब बहुत ही, फोटो शूट तगड़ा वाला चल रहा है, भीड़ तो बढ़िया वाली हो रखी है, एक नंबर भीड़ हो रखी है, एक नंबर। चेक करो अब चलते आगे थोड़ा सा, आगे थोड़ा रिएक्शन लेके आते हैं। ये सामने चेक करो चर्च, और मतलब दिन में इतनी भीड़ होगी सबसे रात में इतनी भीड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है हमसे ज़्यादा। पानी पीना सामान भी लगा हुआ है, खुला हुआ है चर्च, अंदर चलेंगे रुक जाओ, अंदर गाड़ी लगा दो। खतरनाक फील आ रहा है, एकदम खतरनाक वाला फील है, भीड़ तो बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है, बहुत ही खतरनाक वाला फील है। क्या बात है, रास्ते बड़े बना रखा है। फिलहाल तो फोटो शूट चल रहा है और अभी तो दिन का टाइम है, तो ऐसा फील है मतलब भीड़ तो बहुत ही बढ़िया हो रही है। अपना भाई देख रहा है, कह रहा है कहाँ पे आ गए आज हम, क्या कह रहा, क्या कह रहा, कन्फ्यूज हो गया मैं। चर्च का नाम है, चर्च का नाम है, चर्च शाबाश, कोटद्वार चर्च। क्या बात है, भीड़ तकड़ी वाली लगी, चप्पल निकाल जाना पड़ता है यहाँ पे, इस आगे तो अगर अंदर जाएंगे चप्पल निकालनी पड़ेगी। वैसे हम चर्च के अंदर अंदर रात को जाने वाले हैं, अभी तो हम जाएंगे चर्च के अंदर, अभी तो हम खाली घूमने वाले हैं यहाँ पर ऐसे ही बिना जाए। और सब बंदे आए हुए हैं, लड़कियाँ तो मतलब फुल फोटो वोटो खींच करके फुल पूरी प्रोफेशनल फीलिंग दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई क्या, तो भाई कैसा लगा आज तुम्हें, आज मैं तुम्हें नई जगह लाया घुमाने के लिए, मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और है ना बढ़िया रंगीला मौसम है यहाँ, रंगीला रंगीला है, रंगीला मौसम है यहाँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। स्थान करें दे सकते हैं गौशाला में प्रवेश कर, वहाँ पर प्रभु मही प्रभु की प्रभु के जन्म सही है ना, किस प्रकार से फोटो सही है, मौसम बढ़िया है, आप उसे है ना बिल्कुल नया, कुछ नया फीलिंग है। तत्पश्चात वहाँ से आगे की ओर चलते हुए सब 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 जा रहे हैं, सब प्रवेश कर चला घूमने के लिए। क्या पंगा हो रहा, मेरे को ये बांध ले। तो गाइस अभी तो हम आए थे, अब रात को भी आएंगे हम यहाँ पे देखने के लिए, फिलहाल तो नॉर्मली व्यू था, हम अंदर नहीं गए पर अभी देखो सही दिख रहा, व्यू सही आ रहा ना सामने का मेरे कैमरे से, सही है ना बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शिवगली मंदिर की तरफ घूमने, थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन आने वाला है वहाँ पर। चर्च तो हमने थोड़ा सा घूम लिया, बहुत भीड़ है यहाँ तो भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बट इतनी भीड़ में तो बहुत बुरा हाल हो गया भाई, बट ठीक ठाक भीड़ है,
पर यार भीड़ होती है तो मज़ा भी नहीं आता ना, भीड़ में क्या मज़ा, भीड़ के साथ फील ही नहीं आता यार वो। या फिर वीडियो, फिर वहाँ जा रहे फिर व्यू मिलेगा, वीडियो कैसे शूट करेगा मुझको, क्या हुआ है लाइट है ना, लाइट थोड़ा लाइट कलर है ना। ये देखो गाइस कैसे आ रही है सब दोस्तों, ये बस सर से जाना जरूरी है, मैटर करता है सर से जाना, मैटर करता है वैसे कुछ मैटर नहीं करता। अब हम चलते हैं यहाँ से सिग्नल ही बनाने जगाती है, बट अब थोड़ा हल्का हो गया मामला। यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है हमारे सिग्नली मंदिर, ठंड भी है चल गए महीने गोरिए। हम देखते हैं खा करनी है गाड़ी खड़ी सिग्नली पार्किंग का वगैरह, इधर लाओ इधर, हमें तो जाना ही है, हम तो यहाँ खड़ी करेंगे भाई। तो चेक करेगा ये सिग्नली का मेन गेट है, बिल्कुल क्या कहते हैं हरिद्वार वाली फीलिंग आ रही है। हरिद्वार में हम गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, राइड करते हैं, है? तो गाइस ये है अपना सिज़ोली मंदिर और हम आए हैं, फिलहाल तो हम मंदिर के पीछे जा रहे हैं और क्योंकि मंदिर के पीछे जो नदी है बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा व्यू अभी अच्छा आएगा क्योंकि थोड़ा दिन हो रखा है, थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के रास्ते में और मंदिर तो ये रहा मंदिर, ऊपर है मंदिर ना सिद्धोली मंदिर ऊपर, ये वो चेक करो ऑरेंज ऑरेंज कलर का हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के पीछे, कहाँ से है नदी का रास्ता, नदी का रास्ता कहाँ है? तो गाइस नदी का रास्ता है ये रहा। अरे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है ना, पता नहीं चल पाता यहाँ पर रास्ते का ना थोड़ा, क्योंकि पीछे पीछे छोटा छोटा सा रास्ता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हम जा रहे हैं छोटे से रास्ते से निकल के, कभी ओ माय गॉड यहाँ पे भी गेट लगा रखे हैं, तभी ऐसा होता है ना कभी कभी पार्किंग की वजह से मतलब भीड़ होती है ज़्यादा, तो वो चीज़ देखनी होती है। और ये रास्ता देखो छोटा सा रास्ता है, वैसे कोई नया बंदा का ना उसे पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ कोई रास्ता वास्ता भी होगा, बट हम तो पुराने बंदे हैं तो हमें तो पता है। और मेरे हिसाब से इस बाइक के लिए सब कुछ नया है और खुश है भाई एक्सपीरियंस में ना। चलिए यार हरिद्वार में तो बहुत क्रिसमस बनाते हैं, इस बार बाहर बनाते हैं ना। सर्दी तो नहीं लग रही ना? यार भाई आज सीन खतरनाक हो गया और मफलर वगैरह सब था मेरे पास, मैंने इससे कहा सर्दी तो नहीं लगेगी, मुझे लगा इसके बाल खराब हो जाएंगे तो इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं इसे। जब यहाँ पे आके इसने देखा भाई तो सब चीज़ लाया था, तो भाई कह रहा कि यार तू तो बहुत गंदा लड़का है, बहुत गुस्सा आया भाई, बहुत गुस्सा है भाई को, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था मेरे ऊपर, कह रहा यार मैं तो बोल नहीं रहा हूँ तब से, ये बोल नहीं रहा, इसे आइसक्रीम, इसे ना आइसक्रीम खिलाऊंगा, आइसक्रीम खाने के बाद सही हो जाएगा, देख लो भाई क्या कह रहा, आइसक्रीम खाने के बाद सही हो जाऊंगा। बाल तो देखो मेरे ऐसे रहने वाले क्योंकि मैं बाइक पर राइड करता हूँ, तो सी एस बी में कॉफी पी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, उससे हमें थोड़ी गर्मी तो मिली है, गर्मी मिली है, बहुत गर्मी मिली है हमें। और आपको नई चीज चेक कराते हैं, आपको कुछ नया चेक कराते हैं, यहाँ कुछ स्पेशल है आपने देखा नहीं होगा, ये चेक करो गाइस ये यहाँ की स्पेशल चीज है। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। तो ये ब्रो हमारे मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो भाई कितनी मछली पकड़ी? अभी पकड़ी नहीं है, अभी पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा पकड़ने जा रहे हो, यस ब्लॉगर है हम, तो आप वीडियोस देखते हो, यूट्यूब चलाते हो? यस। हरिद्वार का लड़का डालना आ जाएगा, हम हरिद्वार से आए हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, तुम भी आओगे ब्लॉग में, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रक्की। इसका तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? ठीक है ब्लॉग देखना हरिद्वार का लड़का, हरिद्वार बड़े लगेंगे आप, बड़े लग रहे हैं ना, कैसी जगह आए घूमने के लिए? बढ़िया है, मस्त है। ये भाई को लाया आज घुमाने के लिए अपने दोस्त को, ये पहली बार आया है, मैं आता रहता हूँ, चलो देखना हरिद्वार का लड़का डालना, तुम्हारी वीडियो मिल जाएगी कल। तो गाइज आपने देखा गाइज, मैं ये नहीं दिखा रहा था, मैं आपको कुछ और दिखाने वाला था, आपको लगा सरप्राइज, सरप्राइज वो नहीं था, सरप्राइज तो ये है। अभी तो सर्दियाँ हैं थोड़ा इसलिए लग रहा है, गर्मियों के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही फील आता है, बहुत अच्छा फील, बट हम यहाँ पे नहीं जाने वाले, रास्ता शायद आगे से है यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये है कोटद्वार सिद्धोली मंदिर के पीछे का व्यू, ये देखो वैसे बना रखा है जैसे अपना देहरादून बना के रखते हैं ना सहजधारा में नहाने के लिए, ये वैसा बना रखा है। अभी सर्दी का टाइम तो कोई नहाएगा नहीं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा फोटो शूट हो सकता है फिलहाल यहाँ पे ना, फोटो शूट वाली लोकेशन बनी हुई है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं थोड़ा आगे, सही है
पानी। तो हम थोड़ी गलत जगह चले गए थे, वहां से रास्ता नहीं था, तो हम भाई से पूछ रहे, भाई तुमने गलत जगह भेज दिया मैं यार, इधर से रास्ता है ना? ठीक है इधर जा रहे हैं, हम जाएंगे, हम एडवेंचर्स वो हैं, हम एडवेंचर्स वो हैं, तो हम जाएंगे। थक गया, सांस चढ़ गया, पर कोई नहीं, जाएंगे जाएंगे। ये चेक करो गाइस, रास्ता थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पर लोकेशन मिलने वाली है, खतरनाक लोकेशन मिलने वाली है। हमें जाना पड़ेगा थोड़ा साइड से उतर उतर के, रास्ता तो दिखेगा नहीं पर हम निकल सकते हैं यहाँ से। ये देखिए थोड़ा एडवेंचर्स वाला रास्ता है, चल आ जाएगा ना भाई, कॉपी कर लियो, मुझे फॉलो कर लियो, फॉलो मुझको। ये देखो क्या खतरनाक रास्ता है, ओ माय गॉड, आज तो एडवेंचर्स हो रहा है भाई, लग रहा है एडवेंचर्स वाली फीलिंग आ रही। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ से नीचे जाके रास्ता है ना। हाँ तो मैं यहाँ से पानी में से निकल के जाना पड़ेगा, हल्का सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, एक बार मैं पहले भी आया था तब भी ऐसे निकल गया था, ये रास्ता पानी ऐसे चलता रहता है, हमें ऐसे निकलना पड़ता है। आराम से आइयो, गिरियो ना, क्या हुआ? ये चेक करो गाइस, खतरनाक। अरे भाई गिर ना जाइयो, सही से आ, बहुत ही खतरनाक वाला सीन है, पानी के रास्ते से निकल जाना पड़ेगा, सर्दी के टाइम में पानी में जाना पड़ेगा, पर हम निकल जाएंगे, पानी से कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन तो ऐसे ही कहते हैं, लोकेशन ना हो तो, अबे एक आ रह गया, ये तो पीछे रह गया, हाँ आ गया। और कल हम जाने वाले हैं ऊपर पहाड़ों में, ये जो रास्ता है ना ऊपर जा रहा है, कल हम यहाँ का रास्ता भी चेक करेंगे, निकलेंगे हम थोड़ा बाहर भी जाएंगे। भगवान ने इसकी सुन ली।